महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने हजारों धावकों के साथ IDBI फेडरल लाइफ इंश्योरेंस नई दिल्ली में मैराथन के हिस्सा के लिए पुलवामा आतंकी हमलों के शहीद परिवारों के लिए 15 लाख रुपए जुटाए। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 4 रेस में प्रत्येक के शुरू होने से पहले तेंदुलकर ने पुशअप चैलेंज के अंतर्गत 10 पुशअप किए और धावकों का उनके साथ जुड़ने का आग्रह किया। तेंदुलकर ने कहा कि यहाँ से जो भी राशि मिलेगी उसके किसी अच्छे कार्य के लिए दान दिया जाएगा, इसे शहीदों के परिवार के लिए दिया जाएगा। मुझे पूरा भरोसा है कि आप भावनाओं को समझते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी हमारे साथ इस अभियान में साथ देंगे। पुलवामा में 14 फरवरी को हुए आतंकी हमले में 40 से ज़्यादा CRPF के जवान शहीद हो गए थे। इन 4 रेस फुल मैराथन, हाफ मैराथन, टाइम 10 किलोमीटर रनथन और 5 किलोमीटर स्वच्छ भारत रन में हजारों धावकों ने हिस्सा लिया। तेंदुलकर ने इतने धावकों की भागीदारी पर कहा कि मैं इतने सारे बच्चों की भागीदारी को देखकर खुश हूँ, इतने सारे वयस्कों को देखकर भयभीत नहीं होना चाहिए और मैराथन में भाग लेना जिंदगी का बड़ा कदम होता है। आप अगली पीढ़ी है जो वो हमारे देश के बागडोर को संभालेंगे। IDBI फेडरल लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड तेंदुलकर ने स्टेडियम से मैराथन को हरी झंडी दी। एक्सेंस स्पोर्ट्स से लव कुमार की रिपोर्ट।